दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं काले लिनक्स अपने कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स। हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा वर्चुअल बॉक्स, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और टाइप कीजिए वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। पहले लिंक पर क्लिक कीजिए। विंडोज़ होस्ट पे क्लिक कीजिए फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करने के लिए वर्चुअल बॉक्स। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा। ओपन कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देन नेक्स्ट पे, देन यस, देन इंस्टॉल। अब फिनिश पे क्लिक कर। अब हमें डाउनलोड करना है काले लिनक्स ISO फाइल। अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करिए एंड सर्च करिए काले लिनक्स ISO डाउनलोड। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे काले लिनक्स के वर्जन्स मिल जाएंगे, तो मैं इसमें लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करूँगा जो कि 64-bit है। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, आप देख सकते हैं। अब आपको वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है जो हमने पहले ही डाउनलोड किया था। ये उसका इंटरफेस है वर्चुअल बॉक्स का। यहाँ से आप वो मशीन में जाना है, देन न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप नेम चूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे मैंने नेम में काले लिनक्स लिखा है और वर्जन में आप डेबियन 64-bit चूज करें, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। देन आप मेमोरी साइज चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1542 MB चूज किया है एज रैम। देन क्रिएट पे क्लिक करिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ से आप साइज चूज कर सकते हैं वर्चुअल हार्ड डिस्क का, तो यहाँ पे मैं 20 GB चूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, देन स्टोरेज में जाना है, देन एम्प्टी पे क्लिक करिए, देन साइड में डिस्क पे क्लिक करिए, देन चूज अ डिस्क फाइल पे क्लिक करिए, जो आपने डाउनलोड किया था ISO फाइल उसे चूज कर लीजिए, देन ओपन पे क्लिक करिए, देन ओके पे क्लिक करिए, देन स्टार्ट पे क्लिक करिए। देन स्टार्ट पे क्लिक करिए। आपका वर्चुअल बॉक्स अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए ग्राफिकल इंस्टॉल के लिए। यहाँ पे आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज करके कंटिन्यू करना है। देन यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड में आई प्रेस करिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सो बी पेशेंट। इंस्टॉलेशन के लिए आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। होस्ट नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन डोमेन नेम खाली छोड़ सकते हैं, देन कंटिन्यू। देन आपको अपना फुल नेम और द यूजर नेम डालना है। मैंने यहाँ पे सर्विंग टेक लिखा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू। पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, सो बी पेशेंट। सिलेक्ट गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, कंटिन्यू कंटिन्यू, देन सिलेक्ट ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, सिलेक्ट यस, कंटिन्यू।
it will take some time to install the base system on your virtual box. Continue. Continue. According to your network or internet speed, it will take time. Select yes. Continue. 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 Now the installation is complete. It will take some time to boot the Kali Linux operating system. यहाँ पे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करिए जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला था. सक्सेसफुली आपके वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है. यहाँ पे इसके सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हैं. अगर आपको इसे शटडाउन करना हो तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करना है, देन शटडाउन पे क्लिक कर दीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.